अच्छा सर, तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में रोज़ों के मुतल्लिक जो हुक्म है, खसूसन जो रोज़ों का मकसद बयान हुआ उस पर रोशनी डाल दें। सवाल दोबारा पढ़ दें। अच्छा सर, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में रोज़ों के मुतल्लिक जो हुक्म है, खसूसन जो रोज़ों का मकसद बयान हुआ उस पर रोशनी डाल दें। अच्छा, तो आपने ये सवाल पूछा है कि सूरह बकरा की जो आयत नंबर 183 है, उसमें रोजों के मुतल्लिक जो हुक्म आया है और खसूसन रोजों का जो मकसद है वो आपने पूछा है। तो ये मेरे सामने कुरान मजीद है और सूरह बकरा की मैंने जो है ना वो आयत नंबर 183 निकाल दी है। अच्छा बच्चों, इस आयत की ना तीन हिस्से हैं और बड़ी ही मज़ेदार आयत मुबारक है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है। मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इसके मुतालिक पूछा। तो मैं इसके मुतालिक थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस आयत मुबारक के तीन हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तुम पर मैंने ये रोज़े फ़र्ज़ किए। अब पहली चीज तो ये समझ लें कि ये जो रोजे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोमिनों पर फर्ज हैं। अब यहां से एक चीज समझ आ गई कि जो लोग रोजे रखते हैं वो तो मोमिन है, और जो बगैर किसी शरई उजर के रोजे तर्क कर देते हैं, रोजे नहीं रखते या कुछ रोजे छोड़ देते हैं, तो फिर उन्हें देख लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। आपके इल्म में है कि सिर्फ नमाज ही मोमिन और काफिर में फर्क नहीं करती, बल्कि हर फर्ज अगर उसे बगैर किसी वजह के तर्क किया जाए तो वो भी मोमिन और काफिर में फर्क करता है। मसलन जैसे नमाज की पहले बात हुई, अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, बगैर किसी शरई उजर के छोड़ता है नमाज, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फिर मोमिन नहीं। ऐसे हज है, अगर किसी बंदे के पास इस्तेआत है, माल है, पैसा है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो हज नहीं करता तो इसका मतलब है कि फिर वो मोमिन नहीं है। ऐसे ही रोजे हैं कि अगर कोई बंदा बगैर किसी शरई उजर के उसको तर्क कर देता है, नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, तो फिर वो मोमिन नहीं है। आगे जो दूसरी चीज अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में नाज़िल फरमाई वो है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनों, कि ये जो रोजे हैं ना ये सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं किए बल्कि तुमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं। यानी रोजे जो हैं वो बड़ी पुरानी इबादत है। यानी जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, उनकी उम्मतों के ऊपर भी रोजे फर्ज थे। तो ये कहना कि रोजे हमारे ऊपर फर्ज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं, यानी जितनी उम्मतें गुजरी हैं, उन पर भी रोजे फर्ज थे। और तीसरी और बड़ी अहम चीज जो आपने पूछी वो है रोजों का मकसद। तो अल्लाह ताला इसी आयत मुबारका में इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में, लअल्लकुम तत्तकू। अल्लाह फरमाता है कि मैंने रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम इसके जरिए से परहेजगारी हासिल करो, तुम इसके जरिए से तकवा हासिल करो। तो बड़ा मुख्तसर सा देखेंगे कि दरहकीकत ये तकवा, ये परहेजगारी है क्या चीज जो अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे रोजों के जरिए से हासिल करें। तो मेरे दोस्तों, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो, तकवा इख्तियार करो, तो तकवा कहते हैं परहेजगारी को। अब ये परहेजगारी और तकवा क्या चीज है, तो इसको यूं समझिए कि तकवा और परहेजगारी दिल की एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसमें इंसान बुराई से नफरत करता है, बुराई से बचने की कोशिश करता है, बुराई से कनारा करने की कोशिश करता है, बुराई से दूर भागता है, और इसके बरअक्स अगर उसे कोई नेकी का काम मिलता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है,
वो नेकी का काम करना चाहता है, तो दिल की ये जो कैफियत है ना, जिसमें बुराई से नफरत पैदा होती है और अच्छाई से मोहब्बत पैदा होती है, ये दर हकीकत तकवा है। और यही अल्लाह ताला हमसे चाहता है। और ये जो पूरा एक महीना अल्लाह ताला हमें इसकी ट्रेनिंग करवाता है ना, तो इसका मकसद ही यही है कि हम क्या करें, हम तकवा इख्तियार करें। अच्छा, इसकी ना एक दो मिसाल देख लेते हैं, ताकि ये जो तकवा है, परहेजगारी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब है, वो जरा वाजे हो जाए। फर्ज करें कि एक शख्स ना दूध का काम करता है, तो उसके सारे घर वाले आ जाते हैं, वो उसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि दूध में पानी मिला दिया करें, महंगाई बड़ी हो गई है, दूध में पानी मिला लिया करें। तो वो जो शख्स है, अब बुराई उसके सामने आ गई, सारे लोग उसे कह रहे हैं, अब वो बुराई के ऊपर कादर भी है, वो चाहता तो पानी मिला सकता है, लेकिन फिर उसका जो दिल है, उसका जो जमीर है, वो उसे उस बुराई के खिलाफ झंझोड़ता है, मना करता है, रोकता है, और वो शख्स उस बुराई से रुक जाता है। अब बुराई से रुक गया, जब बुराई से रुक गया तो इसका मतलब है कि उसका दिल नेकी की तरफ रागिब हुआ, कि ये अल्लाह को पसंद नहीं है दूध में पानी मिलाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है बेईमानी करनी। तो ये जो बुराई के खिलाफ उसकी मजाहमत है, बुराई से दूर भागना है, बुराई के खिलाफ हिचकिचाहट है और नेकी की तरफ रुगबत है, यही दरहकीकत तकवा है, और यही अल्लाह को बड़ा पसंद है, और यही अल्लाह हमसे चाहता है। एक और मिसाल देख लेते हैं। फर्ज करें कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और किसी शख्स ने जानवर रखे हुए हैं और उसने उनके लिए चारा लाना था। अब वो घर से बाहर निकलता है, बारिश बहुत ज्यादा है, तो उसका जो चारा है वो बड़ी दूर है। जो ही वो घर से बाहर निकलता है तो साथ वाली पैली में ना उसे चारा मिल जाता है, किसी का ना वहां पर वो चारा लगा हुआ था। अब उसके दिल में ख्याल आता है एक दफा कि चलो एथमे वड़ लेने हैं, केड़ा किसी ने पता चल रहा है। लेकिन जो ही उसके दिल में ये ख्याल आता है ना, तो फिर उसका जो जमीर है ना, वो उसको झंझोड़ता है, वो उसको मना करता है, वो उसे बुराई से दूर ले जाने की कोशिश करता है। अब उसका बुराई के खिलाफ ये जो हिचकिचाना है कि अल्लाह तो देख रहा है, कोई शख्स नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है, ये जो बुराई के खिलाफ उसका हिचकिचाना है, बुराई से दूर हटना और बुराई से बचने की कोशिश करना, यही दर हकीकत तकवा है। और उसका बुराई के खिलाफ लड़कर अल्लाह की तरफ रजू करना, अल्लाह की तरफ जाना, नेकी की तरफ जाना, यही तकवा है, और यही अल्लाह ताला हमसे डिमांड करता है। रोजों के जरिए से हमें अल्लाह ताला इसकी पूरा एक महीना प्रैक्टिस भी करवाता है। मेरे दोस्तों, देखें कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे, तो वहां पर ना हर साल में कुछ ना कुछ दिन या कुछ महीने या साल में दो तीन दफा ट्रेनिंग करवाई जाती है। मैं भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, साल में चार पांच ट्रेनिंग्स करवाते हैं, होती वो एक दो घंटे की है, ठीक है। तो वो साल में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि मेरा जो कैंडिडेट है, हमारा जो बंदा है, वो परफेक्ट हो जाए। अल्लाह ताला भी ऐसे ही हमें साल में एक महीना ट्रेनिंग करवाता है रोजों की, और इसके जरिए से अल्लाह क्या चाहता है कि मेरे बंदे तकवा इख्तियार करें, मेरे बंदे परहेजगारी इख्तियार करें। अब रोजों के जरिए से किस तरह से तकवा और परहेजगारी हासिल होती है, तो यूं समझ लें कि अगर आपने रोजा रखा हुआ है और आपके सामने खाना आ जाता है और पीने वाला कोई मशरूब आ जाता है, आपको प्यास भी बड़ी लगी हुई है, लेकिन आप बड़ी ज्यादा प्यास और भूख होने के बावजूद भी खाने की तरफ नहीं जाते, यानी आपके सामने आ गया, आप खाने पे कादर हैं, आप मशरूब पीने पे कादर हैं, लेकिन आप नहीं पी रहे, क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है, जो आपका जमीर है, वो आपको झंझोड़ रहा है कि आपका रोजा है, आपका रोजा है, आप कुछ नहीं खा पी सकते। तो जिस तरह हमारा जमीर झंझोड़ कर हमें खाने से मना करता है और हमें अल्लाह की तरफ लेके आता है, यही दर हकीकत तकवा है। और
एक और बात याद रखिए कि रोजा जो है वो सिर्फ पेट का नहीं, कि आपने पेट को खाने से बचा लिया, आपने जुबान को लज्जत से बचा लिया, नहीं, तकवा ये है कि आप अपनी आंखों को भी बचाएंगे बेहयाई और बुरे कामों से, आप अपनी जुबान को भी बचाएंगे, आप अपने हाथों को बुराई से बचाएंगे, आप अपने पाँव को बुराई से बचाएंगे। और एक और चीज मैं यहां बता दूं कि अपने दिल और दिमाग को भी बुराई से बचाना, ये भी तकवा है। आप देख रहे हैं कि आजकल नौजवान नस्ल जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हाथ से बुराई करते हैं या पैरों के साथ बुराई की तरफ चल के जाते हैं, बल्कि हम अपने घर में बैठे होते हैं और हमारा दिल और दिमाग जो है वो बुराई में मगन रहता है। तो तकवा क्या है? बुराई का कोई भी काम है उससे बचना, उसे हिचकिचाना, उसे हटना, उसे दूर जाना, उसे झिझकना। और नेकी का अगर कोई काम मिलता है, जैसे आजकल रमजान में हमें कोई भी नेकी का काम मिलता है तो हम फौरन करने की कोशिश करते हैं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कोई भी थोड़ा सा टाइम मिलता है कुरान हम पढ़ लेते हैं, हम जिक्र अस्कार करते हैं। तो ये जो नेकी की तरफ रुगबत है ना और बुराई से बचना है, यही दर हकीकत तकवा है। और मेरे बच्चों यही अल्लाह ताला रोजों के जरिए से हमें सिखाता है। और अल्लाह का मकसद ये नहीं कि सिर्फ एक महीना आप जो है ना वो तकवा इख्तियार करें, नहीं, अल्लाह ताला ये 30 दिन ट्रेनिंग करवा के तो ये चाहता है कि मेरा बंदा पूरा साल, और सिर्फ पूरा साल नहीं बल्कि सारी ही जिंदगी तकवा इख्तियार करे, वो बुराई से बचने की कोशिश करे और नेकी की तरफ भागे। और यही तकवा है और यही अल्लाह को बड़ा पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जजाकल्ला खैरा।